हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मनीष, वेलकम बैक। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जो कि मैंने एक स्पीच है एक बहुत पॉपुलर एक्टर जिनकी एक्टिंग के हम सब कायल हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मल्टी टैलेंटेड है और इंडिया के एक बहुत पॉपुलर मूवी में आए हुए हैं एज एन एक्टर। मैं उनकी बात या उनको कौन है क्या नाम है उनका, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर उनसे रिलेटेड एक बात है जो उन्होंने एक अपने स्पीच में 3-3.5 साल पहले कही थी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस स्पीच एंड आई वांट टू शेयर दैट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट स्पीच व्हाट ही सेड। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए मैं वो बातें स्टार्ट करता हूँ और आशा करता हूँ थोड़ी सी छोटी करूँ पर बात इतनी अच्छी है कि अगर मैं कितनी भी सिंक्रोनाइज करूँ बहुत लिमिट तक नहीं रख पाऊँगा। हो सकता है आप सुने, मैं अपने लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे तो लास्ट तक बहुत अच्छा है और नहीं देखेंगे तो आप ज़रूर मिस करेंगे कुछ। उन्होंने एक जैसे वो एक कंट्री में गए थे अपने हेल्थ से रिलेटेड बातें करने, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जब बनाई थी उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया था। चलिए उनके नाम नहीं छोड़ देते हैं, वो बंदे ने अपना वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया था और ही वांटेड टू बी वेरी हेल्दी एंड ही वांटेड टू बी इन एक्ट इन अ वेरी गुड मूवी विच वॉज विच मेड फॉर हिम और वो उसमें लीड एक्टिंग करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया में एक जगह गए जहाँ पर उन्हें बोला गया कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट सुबह दिया जाएगा, तो ही सेड नहीं, मुझे तो अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, आई नीड प्रोटीन, आई नीड सम एग्स और समथिंग लाइक दैट। ही सेड ठीक है, आपको जो नाश्ता आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, सो दैट यू जस्ट मीट मी द ब्रेकफास्ट एरिया, वहाँ पर हम आपको सब कुछ दे देंगे। तो वहाँ पर उनको और वैसे कई पॉपुलर लोग वहाँ पर आए हुए थे क्योंकि वो जो जगह थी वो बहुत ही फेमस थी ऑस्ट्रिया की। और जब वो एक्टर उनसे मिले थे, उन बंदों से, जब उन बंदे से वहाँ के जो डायरेक्टर है या वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आया हूँ ऑस्ट्रिया और आप मुझे ये सब चीज़ करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। बोले कि आप बहुत पैसा खर्च करके आए हैं यहाँ पर और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और वो चीज़ सीखने आए हैं जो हम इंडिया से ही ला कर यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं, है ना, अच्छी बात। खैर, उनको जब ब्रेकफास्ट दिया गया तो वो ब्रेकफास्ट में वो बोले कि हम तो वो खाएंगे जो हमें चाहिए, तो वो बोले कि ठीक है वो भी मिल जाएगा आपको, वो भी बन रहा है, आप केवल ये कीजिए कि ये 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड है और एक बाउल लिक्विड का था जो कि सब्जी का कुछ सूप उनको शायद प्रोवाइड किया गया था। बोले कि ठीक हम खा लेंगे, तो बोले बस हमारी एक शर्त है वो स्लाइस ऑफ ब्रेड्स को और ये जो बाउल है जिसमें वो कुछ सूप टाइप का दिया गया था, आप हम जैसे बोले वैसे खाए। बोले कैसे खाना है, ठीक है, इट्स ओके। तो बोले कि आप कम से कम वो जो ब्रेड है उसको 40 बार च्यू करेंगे, जब वो लिक्विड हो जाएगी आपके माउथ में देन यू जस्ट आप उसको पेट के अंदर लेंगे, ठीक है। और जो आप सूप है वो आप ऐसे लेंगे जैसे कि आप मुंह में लेके उसको 4 बार ऐसे करके, 5 बार ऐसे करके मुंह में रोल करके उसको फिर अंदर लेंगे, 1-1 sip लाइक दैट, दैट्स ओके, हम लोग को फिर क्या है, फिर हम लोग को उसके बाद मिल ही जाएगा। बोला हाँ, आपको उसके बाद वो वाली फूड जो आपने रिक्वेस्ट के मिल जाएगी। व्हाट यू नो, 15 से 20 मिनट हो गया और वो उस चीज़ को खाते रहे, इनफैक्ट हॉल में जितने लोग थे वो सब उस चीज़ को खाते रहे एंड दे फेल्ट देयर स्टमक इज फुल विथ ओनली 4 स्लाइस एंड अ बाउल ऑफ। प्रॉब्लम क्या है, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते समय जब हम अपने बॉडी में फूड जब मुंह में डालते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे इंटेस्टाइन को या हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है कि जो सलाइवा है वो उस खाने को पचा लिया है और ये फलाना ढिगड़ा इंसान ने ये खाना खाया है, यू शुड प्रिपेयर योर गट अकॉर्डिंगली। तो उसी तरीके से वो जो अंदर पेट में सिग्नल जाता है जो माथे के थ्रू, वो
अंदर एसिड और से वो चीज क्रिएट करता है जिससे खाना पचे, और वही खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमारे बिग इंटेस्टाइन में घूमते फिरते ऐसे जाता है। हमारे बिग इंटेस्टाइन में एक लॉन्ग करके एक बैक्टीरिया रहती है जो पूरे घिरी हुई रहती है। वो लॉन्ग बैक्टीरिया हमारे जैसे ही खाना आता है उसको लेता है और उसकी उसी से वो अपना ब्लड बना के हमारे गट में ब्लड को सप्लाई करता है, और बाकी जो फूड है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर हमारे बॉडी से निकाल देता है। इसी तरीके से अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा एक साथ क्वांटिटी में खाते हैं तो वो क्वांटिटी, वो सिग्नल, वो चीज़ जो हमारे ब्रेन को हमारे गट को देना रहता है वो दे नहीं पाता, और वो समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड होके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन खाना पचाने का काम जो थोड़ा बहुत रहता है वो नहीं कर पाता, वो देखता है कि उसके पास खाना आता जा रहा है, तो वो उस खाने को हमारे बिग इंटेस्टाइन में फटाफट पुश करता है। हमारा बिग इंटेस्टाइन भी उस खाने का जो पचाने का काम होता है, जो लोन वो बैक्टीरिया होता है, लोन बैक्टीरिया क्या होता है, एक पेड़, एक पौधा समझ लो वो वैसा होता है, उसको जो वो खाना मिलता है वो फिर वो एक पेड़ की तरह ग्रो होने लग जाता है। वो पेड़ की जब ग्रो होने लग जाता है हमारा जो बिग इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे फूलता रहता है और कड़क हो जाता है। इसी तरह हमें एक बड़ा पेट होते होते हम एक मोटे या जिसे बोलते हैं तोंद वाले इंसान हो जाते हैं और अनहेल्दी इंसान बन जाते हैं। पर वो क्या करता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया जिसमें खाना मिलता रहेगा वो बढ़ेगा, वैसे ही हमारा पेट भी उसी सिस्टम को फॉलो करता है, और हमारा जो ब्लड जो हमारे बनना चाहिए वो पूरा बनता नहीं है, और वो ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्रेन उसको सिग्नल नहीं दे पाता है कि आपको अलग अलग पार्ट में जाना है। वो उन एक्टर ने बोला कि मैं इन सब बातों को सुन के पूरा आश्चर्यचकित हो गया, एंड आई सेड कि भैया और कुछ बोलो, मैं और कुछ सीखना या सुनना चाहता हूँ। तो बोले सर, और मैं ये लास्ट बात बोलता हूँ वो ये है कि अगर आप रात को खाना खाते तो शाम को खाना खाने के सोने के 3 या 4 घंटा पहले खाना खा लीजिए। बोले क्यों? बोले अगर आप खाना खाते हैं 6 बजे और 9 या 10 बजे सोते हैं तो आपका जो जो ब्लड जो गट में पड़ा है वो आपको बनता है, और 3 घंटे 4 घंटे पचाने के बाद जब आप सोते हो तो ब्लड का काम होता है आपकी ये सब जो ब्लड होता है वो ब्रेन को पहुंचाता है, ब्रेन उसको बोलते हैं कि तुमको इस हिस्से को रिपेयर करना है, और वो जैसे हमारे नेल्स किसी के प्रॉब्लम होते हैं, किसी के स्किन में प्रॉब्लम होते हैं, किसी के बाल का ग्रोथ नहीं होता, किसी के आँख का, किसी की झुर्रियाँ पड़ती हैं, किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, वो सब जो प्रॉब्लम हमारे को नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी सॉल्व करने वाली रहती है वो हमारे बैड फूडिंग है फूड हैबिट से हमें वो बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही हम खाना एक साथ या रात को लेट खाते हैं तो वो ब्लड जो ब्रेन है वो हमारे जो स्टमक है उसको सिग्नल भेजता है कि प्लीज़ डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ, जस्ट जो खाना आया है उसको पचाने के लिए आप वापस स्टमक में जाओ, क्योंकि अगर वो खाना नहीं पचेगा तो वो एक तरीके से हमें मार देगा। इसलिए वो ब्लड वहीं रहता है और उसको पचाने के 3-4 घंटे के प्रोसेस में लग जाता है, और जो रिपेयरिंग वर्क है वो हेल्ड हो जाती है, वो रुक जाती है, और हमें अलग अलग तरीके से अनहेल्दी तरीकों का सामना करना पड़ता है अपनी बॉडी में। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो बहुत, जैसे कि चाइना के अगर माइथोलॉजी में और इंडियन साइंस जो भी पुराना है, जो हम पुराने ज़माने से कहे आ रहे हैं, कि आप जो आपका गट होता है, जो पेट होता है, वो आपका सेकेंड ब्रेन होता है। एक ब्रेन तो ये होता है, एक सेकेंड ब्रेन होता है जो आपकी बॉडी को संचालित करता है, आपकी बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करता है। इसमें और भी कई पार्ट है जो उनकी वीडियो में कहा गया है, वो मैं कहना चाहता हूँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैं एक आपको जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उसका मैं एक लिंक भेज इसमें डाल दूँगा नीचे, आप उस लिंक को पोस्ट कीजिएगा, आपको वीडियो दिख जाएगी, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको लगे कि मैं इसका दूसरा पार्ट और इसकी और कुछ रिमेनिंग पार्ट में अगले वीडियो में बनाऊं तो आप मेरे को नीचे मैसेज कीजिएगा।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो। मैं ऐसे ही कई वीडियो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।